तो क्या हाल है सबके। मेरा नाम है समीक्षा और आज हम लोग देखने वाले हैं डैंक इंडियन मीम्स। बहुत ही ज्यादा अच्छे मीम्स तुम लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई। ये लो मेरे चैनल पे आने के लिए। तू कौन है? मैं मिस्टर लीस्ट हूँ। अरे तो होगा कोई भी भाई, आठ वर्ष वालों ने गलत रोज किया। पटाके बजाना बहुत शौक है पंजाब च, तो बहुत सस्ते पटाके ने पाऊ। गल तो कर, तेनु केड़ा पटाका दवा दिए। जिंदगी का गुजारा, ये पटाके पैक कर दो मैडम जी। इश्क है तुमसे यारा, तुमको ठीक है। वाइफ, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बस किससे पूछ रहे हैं आप? इतना चुभने लगा हूँ सबको। गलत रोज कर दिया ब्रो। लड़की देखी है वो इंस्टाग्राम में, जब से लैपटॉप मांगती है तो बोलती है सारा दिन अगर मुझे लैपटॉप देते तो मैं उसका आधा काटा क्यों भाई? कार्ड देता है मेरी मौसी। तो मौसी जी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई मेरी मौसी ने ना भाई करोड़ों रुपए लगा दिए, नया मकान बनाया, आप लोग देख रहे हो। तो मौसी पार्टी वार्टी। ये हमारी मामी भाई, ये सबसे तगड़ा सिस्टम हमारे घर में। बिल्कुल ठीक। आपका आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है, अगर आप गायब हो सकते तो आप क्या करते हैं? आपकी चूत मारता। ओ जब तक सूरज चांद रहेगा काल बावली गांड रहेगा। That is not what Jimmy said. That is exactly what I said. ਸ਼ਿਕਲ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਆਪ? ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੈਨੇ ਭਾਈ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਕੀ ਐਸ ਮੰਗ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। केजरीवाल ने आपकी वाइफ की पुसी मांग ली, दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, खाओ माँ कसम। अबे क्या है? अबे पता तो कर लिया, बर्ड्स होते क्या है, सब दे दूंगा। ओ आई, कभी कोरिया का नाम सुना है? हाँ कोरिया का नाम सुना है। तेरी लाल रंग की साड़ी जान कोरिया होता है, ऑनलाइन मंगाया जाता है उसी को कोरिया कहा जाता है। ओ कोरियर नहीं कोरिया। वो सोचा है जिसकी सोचने की क्षमता ही आप में ना हो? किसमें कम आईक्यू है ये बताओ, जो बिग बॉस जाता है उसमें या जो बिग बॉस जीतता है उसमें? एक्चुअली सबसे कम आईक्यू उसका जो इस शो में आता है, यानी आपका। अबे इससे अच्छा तो मैं बिग बॉस वापस चले जाऊं यार। अरे ध्यान से भाई, पागल बैठा अंदर। भाई बिना हो टच किए कोका कोला बोल के दिखा, ठीक है? ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। अबे लंठेश्वर सिंपली बोल दे तब भी टच नहीं होता। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। पानी अगर ठंडा है तो जमा के मार सकता है, पानी अगर गर्म है तो जला के मार सकता है, पानी अगर ज्यादा है तो डुबा के मार सकता है, और पानी अगर कम है तो प्यासा मार सकता है। इससे ये साबित होता है कि पानी मादरचोद है। हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो इसका मतलब हम सब भी मादरचोद। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा जा रहा है यार।
महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज, मानते हैं? नहीं, उसे पूछो ना कि मानते हैं। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम का तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं, इसी से आप परेशान है। इसी से आप परेशान है। मैं परेशान नहीं हूँ महाराज, मैं सच्ची बताऊं, बाहर जेन्युइनली आप लोग वाकई ट्रेंड कर रहे हैं और ये बात मैं हर सीजन में आके बोलता हूं। गलत रोज छोड़ो तो आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है। ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों तो जैसे कर सकते, मैं इन सब गरीब गेमर्स को खरीद चुका हूँ। मैंने इस मिस्टर लीस्ट को भी खरीद लिया। इनफैक्ट इस पूरे वीडियो खरीदने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। Just kidding, guys. इसको मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। खाई पिए खानदानी की लगती है, तुझे कैसे पता बे? अरे भाई वजन देख के नहीं लगता है, इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। काहो पछिला समान एकर अगिला से बेटर, चालू कर जनरेटर। भाई वैसे तो जितने भी जज बैठे हैं रोडीज में, सारे चूतिया से चीजें देखना छोड़ दो, अपना माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये रणविजय, ये रफ्तार, ये बताएगा तुम, तुम्हारे लिए कैसे क्या गलत है? जितने बात है। कि भाई हम तो इतनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, रफ्तार को पता हो कितनी इज्जत करता है, उसने क्या कर रखा है, क्या गाने कर रखे हैं। मैं किसी की पर्सनल जिंदगी में जाना नहीं चाहूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि जैसे बन के दिखाते ना ऐसे है नहीं। इनको रियलिटी शो समझने की गलती, भूल जाओ कि ये रियलिटी शो है तो तुम भूल जाओ, और इनकी चीजों से थोड़ा बच लो, ना तो इनकी चपेट में आ गए ना तो गहरे खड्डे में मर जाओगे। क्यों नहीं भाई, फूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। अरे भैंचोद, ट्रिगर्ड, तुम तो गाली नहीं देते हो। हाँ पर वीडियो तो कैरी मिनाटी की है। बात तो सही बोली। अगर किसी को दम है ना मेरे सामने आके, मेरे से एक बार मिल के बात करना और फेस टू फेस बात करना, और अगर कुछ फालतू बोलना हो ना तो यहाँ पर खड़े होके बोलना, क्योंकि ना यहाँ खड़े होके कोई पहले बोल पाया, ना अब बोल पाया, ना आगे बोल पाया, बस OTT सीजन 3 ना 2, चलो कोई बात, मजा आए। भाई तुम्हारी हर कोई लेता क्यों है? वही एक ही चीज है लेने वाली, तो रात के 2:30 बज गए थे और मुझे उस बेवफा की याद आ रही थी। क्या तुम अपने जेब से पैसों की गड्डी निकाल के सो सकते हो? वो पैसों की गड्डी नहीं है चैंडलर। अच्छा एक्सप्रेशन था, हम दिल में काम आ सकता है। पावर ऑफ बाबू, क्या बचा है ब्रो? सच्चा था मेरे दोस्त, जो भरे लोगों की भीड़ में बोली थी। हम लोगों के मम्मी पापा जानते हैं जो करना है कर लो, मम्मी पापा जानते हैं जो करना है कर लो, संभाल लेके पहुँच। और भाई लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। सर कुरियर देखो क्या है, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है। हराम खोरो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तो आप कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हजार रोज का। ये इतने अच्छे आदमी हो, अगर अच्छे योग बनो, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपए रोज का? मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरी मम्मी, मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। मेरी माँ और भाई पार पोस के बड़ा किए। हमको मारेंगे पीटेंगे, क्या बताएं अंदरूनी बातें। गुरु जी यहाँ पर आग पे मार दिया, हाथ पे बात कराओ। हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली दे। सही बात है ब्रो। तो गाइस वीडियो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अगर तुम लोगों को भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट में बताना कि तुमको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मैं मिलती हूँ तुमसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।